मंच में विराजमान हमारे सभी क्रांतिकारी। कठिनाई है लेकिन बैठ जाइए तभी आप ठीक से सुन पाएंगे। मैं बोलूंगा सभा समाप्त होगी और बहुत देर तक इस धूप में आप झारखंड में पैदल यात्रा में आज की धरती में अगुवाई में आशीष बारा की अगुवाई में वहां से जो पैदल चले हैं साथी साल के शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो गए हैं वह पूरी तरह साल के सिस्टर हर एक वह भी पैदल भगवान जी के धरती पर उन्होंने यह क्रांतिकारी कदम उठाया। वो सुन सके जो भी इधर उधर घूम रहे हैं वे कृपया अपने अपने जगह पतियों के लिए कि कैसे आपके जमीन पे वो काबिज हो। 6 महीनों में हमें हमारी जमीन से हमारी नौकरी से हमारी गांव से हमारी आबादी से जड़ मूल समाप्त करने का षड्यंत्र बना दिया है, कानून पास कर दिया है, जमीन लूट का, नौकरी लूट की, गांव लूट का, आबादी लूट का, सब कुछ लूट का। अपने 3 शत्रुओं को 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। हमारा पहला शत्रु झारखंड सरकार, रघुवर सरकार, कि इस दोनों कानून को ये वापस ले 1 महीने के अंदर। दूसरा शत्रु ये 28 आदिवासी विधायक जिसको हम लोगों ने चुन के भेजा है विधानसभा में आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए और जो हमारा गला घोट रहे हैं, कि ये 28 आदिवासी विधायक जो ये दोनों काला कानून पास किए हैं इसको या तो वापस करवाएं 1 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर इस्तीफा देके इस सरकार को गिराएं। तीसरा शत्रु हमारा पूंजीपति और उद्योगपति, वो उद्योगपति पूंजीपति जो बड़े बड़े झोले पैसे के लेके सरकार को पैसा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे को ये जमीन दो और इस जमीन के बदले में हम बोरे में पैसा लेके जाएंगे। की दूरी तय करने के लिए 24 दिन का समय लगा था। हमारे सिंगल सत्याग्रह पैदल यात्रियों को 170 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको 7 दिन का समय लगा। और किस तरह से शहादत देके इस राज्य को बनाया और राज्य को चलाने वाले नेता